सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं, एसपीसीएल की बात करते हैं और Q4 FY24 के नंबर्स की बात करेंगे। कंपनी ने बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी तो ये तीन अपडेट्स आए हैं। खबर है, न्यूज़ है, बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है और स्टॉक प्राइस 500 के आसपास है। दोस्तों पिछले एक साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, एक तरह से स्टॉक दुगना हुआ है, 90% का रिटर्न दिया है, ऊपर की तरफ है स्टॉक, 500 के आसपास है। पहले ये 200 से 300 के बीच घूम रहा था। तो जिनके पोर्टफोलियो में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, स्टॉक में भी तेज़ी है। अब जो खबर आ रही है चौथी तिमाही के नतीजों के साथ, जो बोर्ड मीटिंग थी कंपनी का, जो आउटकम आ रहा है बोनस शेयर के बारे में अपडेट आ रहा है दोस्तों। तो देखिए जो अपडेट आया है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। और इसमें देखिए बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने और रिकमेंडेशन ऑफ बोनस शेयर्स और 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। तो इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 21 जून 2024 है। तो 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा निवेशकों को और इसका जो रिकॉर्ड डेट है 21 जून 2024, इससे पहले जिन्होंने खरीदारी की होगी उनको बोनस शेयर मिलेगा और बोनस शेयर के अनुसार शेयर भी एडजस्ट होता है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो देखिए जो बोनस शेयर का जो अपडेट है इसमें, बोनस शेयर जो क्रेडिट होगा ऑन बिफोर 8/7/2027 8 जुलाई 2024 तक होगा। और कंपनी ने देखिए बोनस शेयर के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया दोस्तों। तो जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने, इसमें देखिए 16 रुपीज़ 50 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है एचपीसीएल का और ये फाइनल इक्विटी डिविडेंड है। रिकॉर्ड डेट का जो अपडेट है देखिए कंपनी ने अच्छे से दिया है, ये 9 अगस्त 2024 है दोस्तों, काफ़ी समय है, 9 अगस्त 2024 रिकॉर्ड डेट है। जैसे कि कंपनी के द्वारा बोनस दिया जा रहा है तो डिवाइड होगा और इक्विटी डिविडेंड ऑफ 16 रुपीज़ 50 पैसा पर इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू 10 रुपीज़ इच प्री बोनस और इनटू फाइनल डिविडेंड ऑफ 11 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू 10 रुपीज़। तो ये बोनस शेयर के बाद डिविडेंड का अपडेट है। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल नतीजों की बात कर लेते हैं। क्या परफॉर्मेंस रही है एचपीसीएल की चौथी तिमाही Q4 FY24 में। तो आगे की तरफ चलते हैं, देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है 31 दिन 2024 के क्वार्टर में। जो सेल्स का इनकम का जो अपडेट आया है 1,20,941 करोड़ का दोस्तों, और टोटल इनकम का जो अपडेट है 1,22,386 करोड़ का है, 1,22,386 करोड़ का टोटल इनकम है। 1,18,999 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, एक साल पहले जो टोटल इनकम था 1,15,604 करोड़ का था। तो सालाना देखिए एक तरह से ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो इसमें भी ग्रोथ है, टोटल इनकम बढ़कर आया है एचपीसीएल का। और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, देखिए जो एक्सपेंसेस का जो अपडेट है ये पूरा कॉलम एक्सपेंसेस का है, टोटल एक्सपेंसेस की तरफ ध्यान देते हैं तो 1,19,074 करोड़ का है, 1,22,386 करोड़ का टोटल इनकम है। तो कंपनी का प्रॉफिट है और प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 3,312 करोड़ का दोस्तों, 3,312 करोड़ का है। और कंपनी का जो प्रॉफिट का अपडेट आया है उसे चेक कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 2,842 करोड़ का, 2,842 करोड़ का मुनाफा आया है कंपनी को अब की बार, इससे पहले 529 करोड़ का मुनाफा था और 3,222 करोड़ का साल भर पहले था। तो देखिए मुनाफा क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते तो बड़ा है और सालाना देखते हैं तो थोड़ा बहुत कम हुआ है दोस्तों। तो अब की बार एचपीसीएल का मुनाफा 2,842 करोड़ का अपडेट आया दोस्तों, 0.75 करोड़ का। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है और जो अपडेट आया अर्निंग पर शेयर का ईपीएस का,
जिसके अनुसार शेयर प्राइस का अंदाज़ा लगाया था 20.04 का है, 3.73 का इससे पहले क्वार्टर में था, 22.72 का एक साल पहले। एक तरह से देखिए ठीक ठाक नंबर हैं ये SPCL के। और कंपनी ने सबसे बड़ा जो अपडेट दिया है बोनस शेयर दिया है निवेशकों को, और साथ में डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड से अलग कमाई, बोनस शेयर के अनुसार जो रेशियो है उसके अनुसार एडजस्ट होगा शेयर आगे आने वाले दिनों में। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में SPCL को रखा है तो आगे उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं तो जैसे कि शेयर प्राइस 500 के आसपास है, ट्रेंड जो है बुलिश ट्रेंड बना हुआ है SPCL में भी, तो ऊपर की तरफ जाता है तो अपने अनुसार देखें क्या करना है दोस्तों। तो SPCL, BPCL इन दोनों ने साथ में IOC ने, तो तीनों कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को।